अभी तक 1566 लाख जला चुका हूँ मैं 15 साल में। कोई दुआ भेदी नहीं करती, चाहे कोई भी काटती कहो, अच्छा लगता है जलाने में। वैसे कुछ नहीं है, डर वाला बात ही नहीं है, मुर्दा पड़ा रहता है उसमें सो जाता हूँ। लवारिस लाश आता है तो हम खुद ही करते हैं उसके घर बन के। मुर्दा को कीड़ा नहीं मानना चाहिए कभी भी, और हो सके तो उसका सेवा करना चाहिए। जब शरीर में सांस चलती है तो हम उसके साथ चलते हैं। जब शरीर से सांस चली जाए तो वो शरीर कोई काम का नहीं होता, कोई उसका माया नहीं होता, कोई उसे स्वीकार नहीं करता है। उसे या तो दफना देते हैं या तो जला देते हैं। लेकिन ऐसे समय में जब लोग रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार, शिक्षा की बात करते हैं, ऐसे समय में ऐसे भी लोग हैं जो जिसकी सांसें जा चुकी होती है, ऐसे लोगों को वो जलाने का काम करते हैं। ऐसे बाबा से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिसको सुनेंगे आप विस्तार न्यूज़ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़, मैं चंद्रकांत वर्मा। हम ऐसे ही एक बाबा से मिलने जा रहे हैं जिनका जुड़ाव जो है सांसों से है। सांस जब तक शरीर में होता है तब तक इंसान जो है जीवित होता है। ऐसे समय में आप लाश को जलाते हैं, कैसा लगता है आपको और कितने लाश आप जला चुके हैं? अभी तक 1566 लाख जला चुका हूँ मैं 15 साल में, और अच्छा लगता है जलाने में। वैसे कुछ नहीं है, जिसका कोई नहीं रहता उसका भी हम लोग करते हैं काम को और जलाते हैं। जैसे कोरोना समय था, छोड़ के चले जाते थे, उसको भी हम ही लोग सब मिल के, हमारे 4-5 भाई हैं साथी लोग, सब जने मिल के करते थे। अभी भी आता है तो सब जने सम्मिलित होकर के जलाते हैं हम लोग। कोई दुआ भेदी नहीं करते, चाहे कोई भी कास्ट का हो, है ना, चाहे सतनामी हो, चाहे कुछ भी हो, भंगी हो, कोई देवार भी हो, चाहे महाराज भी क्यों ना हो, हम लोग को दुआ भेदी नहीं रहता। कब से कर रहे हैं आप? मेरे 15 साल हो गया। ऐसा ख्याल कैसे आया कि बस लाश जलाना है आपको? क्या पहले आपके पूर्वज करते आ रहे थे या फिर आपने शुरुआत किया इसका? नहीं, वैसे तो मैं हेड मिस्त्री हूँ आरा मशीन का कुछ उससे मेरे को कोमम चला गया था। 22-23 वर्ष के बाद उठा हूँ, फिर काम कितने साल बाद उठे हैं 22-23 वर्ष बाद, बोले तो थोड़ा सा साफ सिंपल सब। 22-23 दिन के बाद में कोमा से उठा हूँ। उसके बाद में साल भर तो नहीं किया काम, उसके बाद काम कर रहा था आरा मशीन में तो मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया, तब से अब काम नहीं कर सका। तो मैं यहाँ बचपन से आता हूँ, ऐसे सन 74 से आता हूँ यहाँ। तो धीरे 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 ऐसे आते थे रात में सवेरे पूजा उजा करने के लिए, और फिर बाद में फ्रैक्चर होने के बाद में फिर लगातार यहाँ, चलो अब कहाँ जाओगे, घर में रहोगे, 2 पैसा मांगोगे घर वाले से तो कब तक देंगे, इससे अच्छा चलो अपना राम घाट में, शमशान घाट में, वहीं अब मृत्यु लोगों का पूजा उजा करके अपना सेवा करेंगे। ऐसे करते 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 हम लोग यहाँ 5-6 जने मिल करके यहाँ पेड़ पौधा दुनियादारी सब लगाए हैं, और अभी भी सेवा करते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, किसी के प्रति क्रोध मतलब वो नहीं है, हम लोग को एक भाई जैसे रहते हैं सब जने, और अपना मस्त। कुछ आप अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम राम कुमार साहू है, बलौदा बाजार का रहने वाला हूँ। वार्ड क्रमांक 10 है, अभी पहले 9 था, अब 10 हो गया है। जागो बाबा के नाम से आपको, जैसे हमको जानकारी मिली, आपका आपको जागो बाबा क्यों बोलते हैं? आपका नाम जागो बाबा क्यों? मेरा नाम इसलिए पड़ा है, क्या है, मुर्दा उर्दा जलाते हैं और मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, इसलिए अब कई जने को बोल दिए, नहीं तुम राम कुमार मत रखो, यहाँ रहते हो तो तुम जागो बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहो। कब तो से आपका नाम जागो? ये कम से कम 92 से है मेरा नाम जागो बाबा, 1992 से सब जागो ही बाबा कहते हैं। जैसे आप लाश जलाते हैं तो लाश से तो लोग बहुत डरते हैं क्योंकि उस मुर्दे से हर कोई डरता है, और जब शमशान आते हैं तो लोग जो है सबसे ज्यादा ख्वाब में रहते हैं कि घर जाएंगे, नहाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, सोते हैं। आप इतने सारे लाश को आप जलाए हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर वाला चीज बात ही नहीं है, क्या बचपन से हम लोग आ रहे हैं इस नाम से, हम लोग को डर नहीं लगता। पहले मेरे नाती उतनी नतनी भी रहती थी यहाँ, सब जने पूरा परिवार रहते थे। अभी क्या है, थोड़ा काम वाम में जाती है ना, तो उस नाम से अब घर में रहती हूँ हम लोग,
और डर वाला बातें नहीं है, मुर्दा पड़ा रहता है उसमें सो जाता हूँ, ठंड में आग जलते रहते हैं मुर्दा जलाता हूँ उसी के पास सो जाता हूँ, ऐसे डर और भार नहीं है। फ्यूजर में रख देते हैं, फ्यूजर बगल में रहता है, मैं यहीं रहता हूँ, डेड बॉडी फ्यूजर है अपने पास, ताबूक भी है बाहर ले जाने वाले के लिए, वैसे डर भय नहीं लगता। सब काम हम ही लोग करते हैं, पैक भी करते हैं, जलाते भी हैं, तो फ्रीजर में रख देते हैं, तो फिर रखना पड़ता है उसको, तो पास में सोने पड़ता है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ किए हैं? हाँ पढ़ा हूँ, दूसरी तक के पढ़ा हूँ मैं पढ़ने के लिए। वैसे नहीं, वो क्या है 74 में अकाल ही पड़ गया, बहुत सूखा अकाल था भयंकर, तो कोई कमाने वाने वाला नहीं था, माँ बस थोड़ी वो थी, बाप पापा ही था, इस नाम से हम लोगों को पढ़ाई छोड़ना पड़ा। चाय वाय दुकान में जाते थे काम वाम करने, 4-8 रोजी मिलता था उस समय, उसके बाद धीरे 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 कुछ क्या आपने अपने जब तक से आप जला रहे हैं, अपने किसी परिजन का लाश जलाया आपने? हाँ जलाया हूँ, मैं अपना बेटी को जलाया हूँ, अपना भाई भैया का जलाया हूँ, जलाया हूँ, जलाने नहीं होता जैसे लाश जलाते हैं तो। नहीं उसमें क्या दुख बाबा, वो तो चल जाने वाला चला गया, रोने वाला गंवार, 2 का दुख होता है सबको, ऐसा किसी वो नहीं है, लेकिन उतना दुख नहीं होता। अब उसको क्या करेगा, वो तो होनहार है, बलवान है, वो तो आना आए हैं तो एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, इस नाम से दुख उख नहीं होता। ऐसा कोई दिन रहा है जिस दिन आप सबसे ज्यादा लाश जलाए होंगे? हाँ जलाए ना, 6-7 जलाए किस संग्रह, कोरोना के समय, कोविड समय में भी आप लाश जलाए? हाँ कोविड समय में हम लोग जलाते थे किट पहनकर। देख सकते हैं कोविड के समय में जब खुद के परिवार बॉडी को छोड़ देते थे, हाथ नहीं लगाते थे इस डर में कि हमें कोरोना ना हो जाए, हमारी जान ना चली जाए, उस समय पर जागो बाबा जो है लाश जलाए हैं। लगभग कितने लाश जलाए होंगे बाबा आप? हम लोग कोरोना में कम से कम 60-65 लाश जलाए हैं, एक ही रोज में 3-4, कभी 8-10 हो जाता था। तो लोग छोड़ के चले जाते थे या फिर ऐसे नहीं, वो लोग रोड में छोड़ देते थे, या एम्बुलेंस आता था उसमें हम लोग उतार करके फिर अपना खुद लकड़ी उकड़ी रच के फिर अपना बॉडी को रख करके उसको जलाते थे कोरोना के समय में। और बाकी तो साधारण ऐसी है सभी, डर नहीं लगता था कि आप लाश को छुएंगे तो आपको कोरोना नहीं हो जाए, मतलब कोरोना समय में मतलब आप ऐसे लोगों को छू कर बिना छुए तो नहीं? नहीं वो तो घबराहट नहीं था हम लोग को कि चलो हम लोग को हो जाएगा ऐसा है वैसा है करके, उत्तर हम लोग को डर वर नहीं था। हाल ही आखिरी में हम लोग 10 जलाए उस रोज ना, थोड़ा सा प्रकोप आ गया था और कुछ नहीं था, उसके बाद में हम लोग को कुछ नहीं हुआ, हम भगवान दया से हम लोग मस्त हैं। गुजारा कैसा चलता है? गुजारा वही चलता है, बाड़ी आता है तो 500 मिल जाता है एक बाड़ी के पीछे, और कोई कोई आ करके कोई कभी कुछ दे देते हैं, है नहीं, और उसी में जो खिचड़ी उचड़ी रहता है उसी को खाना वाना पका कर अपने खाते रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं शमशानी घाट में रहता हूँ। कपड़े मतलब ऐसे ही हमेशा खुला रहते हैं कि पैंट शर्ट जीन्स वगैरह? कभी कभी गांव आओ जाना रहता है, अभी बारात में गया था, दाढ़ी उड़ी बनवा दिया हूँ, अच्छा। भतीजा का शादी था तो इस नाम से थोड़ा दूसरा दिख रहा हूँ, दाढ़ी बेचा सब काला कपड़ा में रहता हूँ मैं, काला कमीज भी रहता है काला और लुंगी भी काला रहता है। जैसे मैं अभी आ रहा था यहाँ, बहुत से आपके कार्यकर्ताएं हैं कि आपके सहयोगी हैं, उनसे मैं चर्चा कर रहा था तो उस दौरान ये भी बात मेरे संज्ञान में आया कि आप लोग जो हैं मुसलमानों का भी कब्र खोदने का काम करते हैं, क्या सच है? नहीं हम लोग नहीं करते, वैसे आते हैं 1-2 आते हैं यहाँ सहयोगी, वो भी लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं, उन लोग जाते हैं कब्र खोदने के लिए, वैसे हम लोग नहीं जा सकते। अच्छा, जैसे मुसलमानों का कब्र खोदते हैं तो हिंदू हैं आप या मुसलमान हैं, कैसे मतलब? नहीं हिंदू हैं, सब हिंदू हैं, पैसा मिलता है उसमें 1500-2000 रुपये देते हैं कब्र खोदने वाले को, उसके बाद खोद के छोड़ देते हैं उन लोग, फिर मिट्टी उट्टी अपना ऊपर में पल्ला उल्ला बिछा करके फिर ऊपर में मिट्टी डालते हैं, बस वही काम करते हैं। सोते यही हैं आप बता रहे हैं, खाते भी यही हैं, जैसे लाश को आप जलाने के बाद खा लेते हैं खाना यहाँ? खैर वो तो खाना तो यहीं भी खाता हूँ,
मेरा काम है यहाँ 24 घंटा रहना। अच्छा। मैं 24 घंटा रहता हूँ। डर 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 नहीं लगता? भूत प्रेत कुछ नहीं दिखा है कभी? भूत भूत नहीं, हमको नहीं दिखा है, और कई जनों को दिखा है, डर डर के भाग भी गए हैं यहाँ से, लेकिन हमको अभी तक अभ्यास नहीं हुए। हम लोग क्या है, शंकर भोलेनाथ के पुजारी हैं हम लोग, तो हम लोग को वही दिखता है। अच्छा, भोलेनाथ दिखते हैं आप? जी हाँ, भोलेनाथ दिखता है, महादेव पार्वती जो शिवलिंग है वो साक्षात दिखता है, बजरंग बली दिखता है। कहाँ कहाँ पे जलाते हैं लाश को, थोड़ा बताएंगे? कहाँ जलाते हैं जी? निकाल लेता हूँ। तो ये वो स्थान है जहाँ पर लाश जलाया जाता है। यहाँ पर जलता है एक बॉडी, यहाँ इधर सर रहता है, उधर पैर रहता है, एक बॉडी यहाँ जलता है, यहाँ जलाते हैं, ये दूसरा नंबर है, और तीसरा में इधर है, ये इसमें जलाते हैं, तीसरा में, चौथा और है ये। मतलब एक साथ चार बॉडी जलाया जा सकता है? चार बॉडी तो निर्मल जलता ही है नहीं? वैसे रोज नहीं आता, कभी कभार आता है तो लगातार आना चालू हो जाता है, 3-4, ज्यादा आ गया फिर साइड में जलाते हैं। मतलब आपको भूत प्रेत ऐसा कोई एहसास आज तक कभी? नहीं 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 होता बाबा, वो चीज नहीं है, अपना जगह है, सब चीज है, जब मानो है दानो तो रहबे करेगा ना, क्या है उसका बस्ती है, हमारा बस्ती शहर है समझो, गाँव है शहर है, तो ये भूत प्रेतों का बस्ती है, ये यहाँ तो रहबे करेंगे। बाबा एक आखिरी सवाल, जैसे शरीर में सांस चलता है तब तक उस शरीर का मोल रहता है, लोग उसको सम्मान की तरह देखते हैं, लेकिन जैसे सांस छूट जाता है उस शरीर से, त्याग देते हैं सांस को, तो उस शरीर से लोग जो है एकदम छुआछूत मानते हैं और उससे भागते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं और आप अपने आप को किस उसमें समझते हैं? नहीं वैसे तो इंसान क्या है, गलत समझते हो तो दूसरा बात है, लेकिन क्या है, जब तक जिंदा तब तक मोह माया है उसका, कि ये है वो है दुनिया है दारी है, अब वो ख़त्म हो गया तो उसको क्या है, मोह माया से छोड़ देते हैं घर वाले, तो अपन लोग को ऐसे नहीं लगता। जैसे आप जलाते हैं तो कोई छुआछूत नहीं मानता आपसे? नहीं, हमसे कोई छुआछूत नहीं मानता, हम तो ब्राह्मणों को भी जलाते हैं और भंगियों को भी जलाते हैं, महिलाओं को, सब सब महिला है, जेंट्स है, लेडीज है, बच्चा मतलब 16 साल से बाद है, सबको जलाते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो अब तक आपने लगभग सन 2008 से 1600 लाश आपने जलाया? 63-64 हो गया है। 1600 63-64 हो गया, 1600 63-64। अच्छा, उससे पहले 2008 से पहले आप लाश नहीं जलाते थे? नहीं, मैं तो काम करता था ना आरा मशीन में, हेड मिस्त्री में आरा मशीन का, वहाँ काम करता था, मतलब यहाँ दाउलोंग के यहाँ, उसके 2008 के बाद में फिर यहाँ आया, लगातार अपाहिज हो गया तो यहाँ फिर चालू हो गया, तो चालू छे। आगे और दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आपके जगह पे, जैसे जो काम आप कर रहे हैं कैसा लोगों को करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए, बताएंगे दर्शकों को? नहीं, ये तो पुण्य का काम है बाबा, जैसे कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, मुर्दा को घृणा नहीं मानना चाहिए कभी भी, और हो सके तो उसका सेवा करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं, लवारिस लाश आता है तो हम खुद ही करते हैं, उसके घर बन के, जैसे उसका पुत्र है या कुछ परिवार का आदमी है ऐसे टाइप के, हम खुद हंडी वंडी ले करके सब घूमते हैं, आग वाग ले करके सब सब कर्म करते हैं, जला के फिर उसको जहाँ ले जाना है, राजीव लेना है, ले जाना है श्री नारायण ले जाना है, या कोई गंगा जा रहा है, तो उसको दे देते हैं कि जा भाई विसर्जित कर देना है, ये लो पैसा ले ले, ऐसे करके दे। लावारिस लाश को भी आप जो है अपना मानते हैं, और उनको जो नियम होता है, परंपरा होता है, उसी के तहत जो है उसकी अस्थि को जलाते हैं और उसकी अस्थियों को विसर्जन भी करते हैं, सब चीज करते हैं, उसका जो कर्म मतलब घर वाले करते हैं ना वैसी करते हैं, जैसे उसको उसका 10 कार होता है, उस रोज में 10-12 बच्चे को पूड़ी हलवा जैसा भी अपना बना, खीर पूड़ी वगैरह लड्डू वगैरह अपना दे दुआ के उसका क्रियाक्रम को पूरा करते हैं, एक भी उसका चीज़ को यानी कि इसमें कमी है कि ऐसा है कि वैसा है इसको नहीं देखते हम लोग, सब चीज़ करते हैं उसका।
तो ये थे जागो बाबा और ये लोगों की लाशों को जलाते हैं। सन 2008 से लेके आज के समय तक लगभग जो है 1600 से अधिक लाश उन्होंने जलाया है। और ये अस्थियां हैं जो यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर लाश को जलाया जाता है। और ये अस्थियां हैं जहाँ से लाश को लेके आते हैं, उन सब का कपड़े जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। तो आप खुद सोचिए कि आज के समय में लोग जो हैं शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ऐसे समय में जागो बाबा जो हैं समाज सेवा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लावारिस लाश को भी वो परंपरा और नियम के हिसाब से जैसा होना चाहिए उसकी अस्थियों के साथ, वैसा ये जिनका कोई नहीं होता वैसे लावारिस लाशों को भी वो उनको नियमता पूर्व जो है वो करते हैं। और करोना के समय में जब लोग अपने ही परिजन के लाशों से दूर भागते थे, ऐसे समय में भी कोविड के समय में 60-70 लाश जो है रोड पे छोड़ देते हैं, बताया जा रहा है, रोड से उठाकर बाबा जलाते थे। तो ये थे जागो बाबा, जिसको आपने सुना कि क्या कहा और कैसी उनकी दिनचर्या है और उनकी जीवन कैसे, वो शुरू से लेके अभी तक कैसे उनके जीवन काल में प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उसको आप जागो बाबा से सुने होंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के लिए। चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।